ये हमारा आईफोन एक्सेस है, तो देख सकते हो इसका जो टच स्क्रीन है वो काम नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल ही टच नहीं हो रहा है। ये सडनली हो गया था, तो इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है। तो सॉल्यूशन जो है तो इसका क्या है, तो वॉल्यूम अप का जो बटन है वो आपको पहले प्रेस करना है, बाद में वॉल्यूम डाउन का और पावर का। ये अभी नहीं हो रहा है, एक बार फिर से हम ट्राई करेंगे और देखेंगे होता है क्या। तो वॉल्यूम अप का बटन दबाइएगा, वॉल्यूम डाउन का दबाया एक बार और पावर का दबाया, तो देख सकते हो ऊपर शट डाउन हो जाएगा, रिस्टार्ट हो जाएगा ये मोबाइल ऑटोमेटिक। और रिस्टार्ट होने के बाद ये एज इट इज़ जो है वो अपना काम करना चालू कर देगा। तो ये एक्सेस में या बहुत सारे आईफोन में ये प्रॉब्लम आती है, तो उसका यही एक सॉल्यूशन है कि वॉल्यूम अप का बटन दबाओ, बाद में वॉल्यूम डाउन का और पावर का। उसमें बस एक ही ये है कि हमें स्क्रीन ऑन रखना है, स्क्रीन ऑफ करके ये काम हमें नहीं करना है, वरना ये कुछ काम का नहीं होगा। तो देख सकते हो कि आईफोन जो है वो रिस्टार्ट हो रहा है अभी, तो रिस्टार्ट जैसे ही होगा तो इसका टच करना भी काम चालू कर देगा। तो ये प्रॉब्लम जो है हमने फर्स्ट टाइम फेस किया है, इससे पहले ये नहीं हुआ था। देख सकते हो मोबाइल चालू है, अब देखते हैं इसका टच अगर वर्क होता है क्या। हो रहा है, देखो अभी पासवर्ड डाल देंगे हम, तो देख सकते हो मोबाइल काम करना चालू कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।